तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है फरीद सलमानी, मैं स्कैनकास्ट का फाउंडर हूं। जैसे कि आप सभी लोग हमारे चैनल पे जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो हमारे वीडियोस देखते हैं, वो सभी ये जानते हैं कि हमारे चैनल पर हम लोग ECM रिपेयरिंग के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे कि पिन आउट हो गया, डेटा शीट कैसे निकाली जाती है, ये वीडियोस हम बनाते रहते हैं। हमारा ECM रिपेयरिंग ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट भी है, जो कि मुंबई और नासिक में हम चलाते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, जैसे कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि टाइटल देखकर ही आप समझ गए होंगे, अपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है कि ECM रिपेयरिंग करते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है, जिसे हम लोग ECM टेस्टर बोलते हैं। ECM टेस्टिंग से हमारे साथ क्या होता है कि हम ECM को टेबल के ऊपर पावर सप्लाई देकर, इग्निशन ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है, चेक लाइट आ रही है नहीं आ रही है, इनिशियल टेस्टिंग हम लोग कर पाते हैं, जो कि हमें लाइन ट्रैकिंग के द्वारा बहुत ज्यादा समय चला जाता है। और ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पावर सप्लाई देने के लिए भी। तो दोस्तों, ये टूल मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव होते गए हैं, लेकिन ECM रिपेयरिंग का लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो में आप लोग आखिर तक बने रहिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट इस वीडियो में ये बताएंगे कि इन्होंने ये कैसे बनाया। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे एक स्टूडेंट ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और इसीलिए दोस्तों ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा चेतन राउत का, जो इतनी मेहनत करके उन्होंने ये बनाया। और सबसे मेन चीज कि इसमें ज्यादा पैसा खर्चा नहीं हुआ है। जनरली ये होता है कि ECM रिपेयरिंग करना बहुत खर्चीला काम है, ECM रिपेयरिंग के लिए बहुत एक्सपेंसिव टूल लगते हैं। तो दोस्तों, टूल इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है। हमारे पास जो भी लोग आते हैं, हम उनको स्किल्स पर सिखाते हैं। टूल हमेशा सेकेंडरी होते हैं, टूल आपके लिए वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। आपका बिजनेस, आपका काम टूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो दोस्तों, इसके बाद मैं चाहूंगा कि चेतन से आप मिलिए। चेतन, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाय दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और मैंने फरीद सर और फैजान सर से ट्रेनिंग लिया है। उनके साथ ही 1 महीना ट्रेनिंग लिया, बहुत अच्छा से दोनों भी सर सिखा दे, और जो मुझे समझ में आया उसे ही मैंने थोड़ा एक बार मॉडल बनाने का ट्राई किया है, जो अभी सर ने आपको दिखाया। इसका नाम है कैन बॉक्स। जो कैन बॉक्स है वो अभी आपको सबको तो मालूम है कि टेस्टिंग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपन ECM टेबल पे चेक नहीं, ऑन टेबल चेक नहीं कर सकते। और ये कैन बॉक्स का एक और फायदा है, जो अपन ऑन टेबल स्कैन करके फॉल्ट रीड कर सकते हैं कि ECM में ही फॉल्ट है या फिर गाड़ी के वायरिंग में फॉल्ट है। जो कैन बॉक्स बाहर मिलते हैं उसकी तो प्राइस बहुत महंगी है, आप सबको ये मालूम ही है। मैंने जो कैन बॉक्स बनाए बहुत कम प्राइस में बनाने की कोशिश की है, उसमें बन भी गया है। तो इसका मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहूंगा। यस, तो चेतन डेमो दे दीजिए, आप इधर आ जाइए थोड़ा। ये देखो, इधर से मैंने ये इसकी मार्केट में प्राइस रहेगी, अगर आप लोकल लेते हो तो 150 से 200 में मिल जाएगा। अगर अच्छे क्वालिटी का अपने आपको लेना है तो 350 या 400 रुपये, तो 400 रुपये तो मिल जाता है। देखो, इधर से मैंने ये अडेप्टर ऑन किया, पावर सप्लाई अपने कैन बॉक्स के पिन तक आ गई। बाद में मैं अपना जो मेन कैन बॉक्स को सप्लाई देने के लिए जो 12 वोल्ट अपन देते हैं, मतलब जैसे कि बैटरी वोल्टेज, वो मैंने इधर से ऑन किया। ये देखो, अपना स्कैनर में लाइट भी आ गई। अभी मैं इग्निशन ऑन करता हूँ। देखो, इग्निशन ऑन करते ही मेन रिले में सप्लाई आ गया, अपनी MI लाइट जल गई, साथ में फ्यूल पंप भी ऑन हो गया। अभी अपने को क्या करना है, स्कैन करना है। ये OBD में देखो, प्रोटोकॉल भी उसने ऑटोमेटिकली मैच कर लिया है। ओके, रीड फॉल्ट कोड।
जेनरिक, ये देखो जैसे हम गाड़ी में स्कैन करते वैसे ये ऑन टेबल स्कैन हो रहा है। एक बार हम लोग है ना इसमें आपको महिंद्रा में जाकर भी स्कैन करके दिखा देते हैं। तो ये ओबीडी है, ओबीडी में आप लोग किसी भी प्रकार का कोई भी गाड़ी को अगर आप इंजन रीड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप ओबीडी से रीड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने ये जो ईसीएम रखा हुआ है, ये 17C55 महिंद्रा का ईसीएम है, 17C55 जो बहुत कॉमन ईसीएम होता है उसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है। दोस्तों आपके पास अगर पिन आउट होंगे तो आप किसी भी ईसीएम को रीड कर सकते हैं, जैसा चेतन ने ये बनाया हुआ है उसके हिसाब से हम किसी भी ईसीएम को रीड कर सकते हैं। इसके लिए कोई ये स्पेशल नहीं है कि ये ईसीएम होगा ये ईसीएम नहीं होगा। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है कि उसका पिन आउट हमको मिल जाए। तो देखिए अब यहाँ पे मैं व्हीकल सिलेक्शन में चले जाता हूँ, पैसेंजर व्हीकल में स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे जैसे कि ये S8 है, मैं S8 पे क्लिक करता हूँ, हेल्थ रिपोर्ट निकालता हूँ। देखिए हेल्थ रिपोर्ट निकालते ही मेरा ईसीएम रीड हो गया है, इंजन में मुझे 8 फॉल्ट कोड दिखा दिए हैं। इसका मतलब कि सिस्टम में गाड़ी में सेलेक्ट करके भी हम लोग इसको इजीली चेक कर पाते हैं। अभी ये हेल्थ रिपोर्ट निकल रहा है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा समय लग जाता है, मैं इसको स्किप करूँगा और आपको वापस से दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये रीड हो रहा है। अब ऑब्वियसली हम लोग ईसीएम रीड कर रहे हैं तो हमको सिर्फ ईसीएम का ही यहाँ पे कनेक्शन मिलेगा, एबीएस का इमोबिलाइजर का नहीं मिलेगा। इसमें इसके जरिए अभी के लिए जो चेतन ने बनाया है इसमें हम इमोबिलाइजर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, उतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन दोस्तों साथ के साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि इसकी कीमत कितनी है, इसकी टोटल कीमत है। मैं चाहूंगा कि इसकी कीमत चेतन खुद बताए कि टोटल खर्चा कितना आया है। ये कैन बॉक्स बनाने के लिए देखो अपने को ज्यादा से ज्यादा बोले तो 700 के आसपास खर्चा होएगा, उसके ऊपर तो जाएगा नहीं, 700 से कम ही खर्चा आएगा। मैंने वो किया है, बनाया है वो। तो ईसीएम टेस्टर हमारा बन के तैयार है सिर्फ 700 रुपये में दोस्तों, सिर्फ 700 रुपये में। और ये 700 रुपये में चेतन इसलिए बना पाए हैं क्योंकि उनके पास स्किल है ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक की, उनके पास में रिसोर्सेस कम है, उनके पास में भले ही फंड कम है लेकिन उनके पास स्किल है, और वो स्किल ही आपके लिए आपके आपको आगे जिंदगी में काम आती है। अभी तो नॉर्मल नॉर्मल ईसीएम चल रहे हैं, आगे जाके टेक्नोलॉजी और डिफिकल्ट होने वाली है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अपनी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोसिस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ईसीयू इंक्लूड होता है। देखिए पूरा रेडी हो गया है, यहाँ पे स्कैन होके कंप्लीट रेडी हो गया है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अगेन सेम जो हमको ओबीडी में फॉल्ट कोड मिले थे वो भी यहीं पर ओबीडी में फॉल्ट कोड मिले हैं। मैं ये भी आपको दिखा देता हूं कि अगर मैं कैन बॉक्स का बटन बंद करता हूं, यहां से अगर मैं इग्निशन बंद कर देता हूं तो यहां पे कम्युनिकेशन भी मेरा बंद हो जाता है। बटन बंद कर दीजिए चेतन, इग्निशन बंद कर दे अपन। देखो अभी 30 सेकंड के देखिए बाद जैसे ही हमने इग्निशन बंद कर दिया 30 सेकंड के बाद में इग्निशन बंद हो जाएगा। यहां से जैसे ही लाइट बंद होगी अगर मैं इसके बाद अंदर जाने की कोशिश करूंगा, ये देखिए यहां पर अगर मैं एंटर करने की कोशिश करता हूं तो ये कम्युनिकेशन लॉस्ट बता देगा। क्यों? क्योंकि हमने हमारा इग्निशन बंद कर दिया है। अब मैं वापस यहां पर इग्निशन ऑन कर देता हूं, देखिए फिर से मैंने इग्निशन ऑन कर दिया, ओके किया, अब वापस ये कम्युनिकेशन बिल्ड होता है। मैं एंटर करता हूं, ये देखिए दोस्तों इजीली फॉल्ट कोड जाके मैंने रीड कर लिया। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर आपके इनिशियल लेवल के जितनी भी टेस्टिंग है ईसीएम की वो आप सब कर सकते हैं, और ये एक्यूरेट दिया है। आप लोगों में से अगर लोग काम कर रहे हैं ईसीएम का उनको पता होगा कि ये जो फॉल्ट कोड दे रहे हैं ये फॉल्ट कोड रेगुलरली आएंगे अगर आप ईसीएम को टेबल पे कनेक्शन देते हैं, ईसीएम को टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं अगेन चेतन का धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इतना ये मोमेंट दिया कि हम प्राउड फील कर पाए। कि चेतन ने जब मुझे ये भेजा तो मेरे मन में ये आया कि ये जानकारी बाकी लोगों तक भी शेयर करनी चाहिए। और एक बार मैंने चेतन से पूछा तो चेतन ने मुझे बोला कि सर तुरंत करनी चाहिए, और वो अपना टाइम निकाल कर हमारे पास आए और हम लोगों ने ये वीडियो आप लोगों तक लेकर आए। दोस्तों अगर किसी को डायग्राम चाहिए होगा किस तरह बनाना है कैसे करना है तो आप लोग हमें बेशक कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको सारी हेल्प करेंगे। ये याद रखिएगा इसको बनाने के लिए आपको ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक की स्किल होना बहुत जरूरी है।
आप सोचेंगे कि अगर ये स्किल आपके पास नहीं है तो ये आप नहीं बना पाएंगे, भले ही हम आपको कितना भी हेल्प करें ओवर द फोन। तो ये चीज आपको याद रखनी है ना चेतन? हाँ सर, एक और बात है, जब मैं सबसे पहले ये लाइन में आया था ऑटोमोबाइल लाइन में, तो मैं इसी हम ये जो भी रहेगा गाड़ी का मॉडल, इसमें हाथ लगाने के लिए बहुत डरता था। तो ऑनलाइन में सर्च कर रहा था तो अपने गूगल में मुझे फरीद सर का नाम से एक मतलब लिंक मिले, उसमें मैंने क्लिक किया, सर को कॉल किया, तो सर ने बताया कि अपना इंस्टीट्यूट है, हम ECM रिपेयरिंग सब सिखा दे। तो सबसे पहले तो मैं ऑब्वियसली अपना पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो सर से बोल दिया कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे सीखना है। तो सर बोले चेतन आप रिस्क मत लो, सबसे पहले आओ इंस्टीट्यूट देखो कैसा है, क्या होता है, कैसे सिखाया जाता है, उसके बाद ही अपना डिसीजन ले लो। तो मैंने सर से हाँ बोल दिया, और उसी टाइम पे सर के बोलने से ही इम्प्रेस होके अपना जो फी था वो सर को पे कर दिया। और जब से इधर आया तो दोनों भी सर है, फैजान सर है, फरीद सर है, बहुत अच्छा सिखाते हैं। एक फैजान सर जो है अपना ECM का पूरा जो रहेगा वो सिखा देंगे, और बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं दोनों भी सर। जो दोनों सर सर ने जो मुझे सिखाया वही स्किल से, ये मैं तो आज बोलूँगा कि ये कैन वॉक्स उनकी वजह से मैं बना पाया हूँ, क्योंकि उन्होंने जो डायग्राम कैसा रीड करना है, डायग्राम को अपन अगर डायग्राम मिलता है तो कैसे यूज करना है वो उन्होंने सिखाया, इसके लिए मैं कैन बॉक्स बना पाया। इसके लिए मैं दोनों सर का आभार मानना चाहता हूँ और उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू चेतन, क्योंकि हमें, मैं अगेन वापस बोलूंगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत का रिजल्ट आपने दिया है, तो मेहनत का जो रिजल्ट होता है क्लास खत्म होने के तुरंत बाद नहीं आता है, रिजल्ट आता है जब जब आप जाके काम करते हैं और उस काम से कुछ अच्छा बनाते हैं अपने लिए रोजी रोटी बनाते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बेसिकली हम क्यों किसी भी स्किल को एक्वायर करते हैं, कोई भी स्किल लेने का हमारा मकसद क्या है, किसी भी स्किल को लेने का हमारा मकसद सिर्फ एक है और वो है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, और वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है जब हम अपने काम में बेहतर कर पाते हैं, अपने जो टेक्नोलॉजी उसको बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है मैं समझता हूँ, लेकिन यकीन मानिए ये वीडियो आपको बहुत फायदा करेगा। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे मुझे कॉल आते हैं कि सर ECM की हमने जानकारी ली है लेकिन अभी टूल हमारे पास में लेने के लिए नहीं है, तो मैंने इसलिए ECM का काम नहीं किया है। दोस्तों आप काम शुरू कीजिए, अगर आपका स्किल है तो काम शुरू कीजिए, डेफिनेटली आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी आप हमें कॉल कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल आपको मिल जाएगी, हम जितना हो सकता है अपने फ्री टाइम में हम आपको बेशक हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी जिन्होंने हमारे पे भरोसा करके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास आए तो वो हमेशा हमारी प्रायोरिटी होते हैं, लेकिन जो भी हमें कॉल करते हैं हम उनके कॉल अटेंड करके आपको डेफिनेटली रिवर्ट करेंगे। और आप सबको एक बताना चाहता हूँ कि सर से आप ट्रेनिंग लो, जो नए बंदे अभी ये लाइन में आ रहे कि भाई कैसे ECM रिपेयरिंग होता है, क्योंकि अभी पुराने जो है अपन उनको मिस्त्री बोलते हैं, वो क्या करते हैं अपने को डराते हैं, भाई ECM है इसको खोलना नहीं है, वायरिंग को छेड़ना नहीं है, ये ऐसा होता है वैसे होता है। वो बंदे को मैं बोलना चाहूंगा कि आप जो है ECM की ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि क्या मालूम है अभी ये अभी आगे लाइन बढ़ती जा रही है, वो इसमें इम्पोर्टेंट है कि अपने को ECM रिपेयर करना या वायरिंग चेक करना आना चाहिए। अपने अपना ही है इंस्टीट्यूट, अपने घर जैसे दोनों भी सर है तो अपने को हेल्प करते हैं, और इनके इधर ट्रेनिंग लेने का एक और फायदा ऐसा है कि ये लाइफ टाइम सपोर्ट देते, कभी भी आप कॉल करो, कभी ऐसा नहीं भाई मैं बिजी हूँ मुझे काम है कॉल उठाया नहीं, ऐसा नहीं, कभी भी कॉल करो कॉल उठा दे। तो थैंक यू चेतन, आप यहाँ पर आए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा वापस से, और दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने ये आखिरी तक वीडियो देखी है तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी सारी डिटेल मिल जाएगी, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी हम ऐसे ऐसे शॉर्ट्स वीडियो डालते रहते हैं, आगे जाके आपको और वीडियोस देखने मिलेंगी जो आपके बहुत काम की रहेगी। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों ये वीडियो पे खत्म होते जाके पुरानी वीडियो भी देखिए, यकीन मानिए हमने जो भी वीडियो डाली है वो आपके जरूर काम की रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।